हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। त्योहारी सीजन आते ही प्रदेश के कई इलाकों में मिलावटखोरी का धंधा शुरू हो जाता है। कोरोना संकट से जूझ रही जनता को इन मिलावटखोरों से सावधान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। त्योहारी सीजन शुरू होते ही हर साल मिलावट का जहरीला खेल शुरू हो जाता है। बाजारों में मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट का खेल भी चलने लगता है। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में बाजारों में धड़ल्ले से मिलावटी सामान की बिक्री होने लगती है। सस्ती चीजों का मिश्रण कर उसे महंगे दामों में बेचकर न केवल लोगों को धोखा दिया जाता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। इन मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से हर साल हजारों लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं और कई अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। कोरोना काल होने के चलते इस साल स्वास्थ्य विभाग के आगे इस मिलावटखोरों पर लगाम लगाने की दोहरी चुनौती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाकर हलवाइयों और कैटरिंग से जुड़े लोगों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में त्योहारी सीजन को देखते हुए खास गाइडलाइन जारी की है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने अभियान के तहत हलवाइयों और कैटरिंग से जुड़े लोगों को सरकारी दिशा निर्देश की जानकारी दे रहे हैं। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अब हलवाइयों और कैटरिंग वालों को अपनी मिठाइयों की ट्रे के साथ उनका MRP, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उनकी एक्सपायरी डेट लगानी होगी। अगर दुकानदार ऐसा नहीं करते तो 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके लिए आज स्वास्थ्य विभाग ने एक अभियान चलाया और दुकानदारों को जाके इसके बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि अब हलवाइयों और कैटरिंग वालों को अपनी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जैसे सभी ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही मिठाई और खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने के दौरान इससे जुड़े लोगों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखना होगा। अगर किसी को भी सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उस पर 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई है, जितने भी हलवाई या कैटरिंग वाले हैं सभी को लूज आइटम्स पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर एक्सपायरी डेट और अपना उस पर MRP रेट लिखना होगा कि किस रेट में वो बेचा जा रहा है सामान मार्केट में। उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट में ये है कि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो एक दिन चलता है, कुछ सामान ऐसा होता है जो 30 दिन चलता है, वो उनको मेंशन करना पड़ेगा पर डे। कोरोना काल में अपनी सेफ्टी पहले है, आप अपने आप को सेफ रखोगे तभी आप अपने कस्टमर को सेफ रखोगे। आपको नहीं पता कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन क्या है, तो इसलिए अपना बचाव ही सबसे बेस्ट। उसमें 2,00,000 तक का जुर्माना है तो अप टू 2,00,000 हम उस पर आगे फाइन लगा सकते हैं, उनको भरना पड़ेगा फाइन। कैथल के साथ ही पलवल में भी स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है। मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किठवाड़ी रोड स्थित दुकानों में छापेमार कार्रवाई करके बर्फी और मिल्क केक के सैंपल लिए गए। दरअसल मिलावट या गुणवत्ता के मामले में सबसे ज्यादा खतरा दूध से तैयार होने वाली मिठाइयों का रहता है। दूध से तैयार होने वाली मिठाइयों का लंबे समय तक स्टॉक करने के कारण उनमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश से सटा होने के चलते पलवल जिले में नकली खोया और दूध से बने उत्पादन की सप्लाई जोरों पर की जाती है। दीपावली जैसे त्योहार पर मिठाई की बढ़ती मांग के चलते मिलावटखोरी का धंधा तेजी से बढ़ जाता है, जिसके चलते कुछ दुकानदार मोटे मुनाफे के चक्कर में नकली खोए की मिठाइयां बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। पलवल में छापेमारी की कार्रवाई के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी
डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के मकसद से ही छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों बाद त्योहारों का सीजन आने वाला है, जिससे दशहरा और दिवाली आने वाले हैं, इसलिए पूरे शहर में सभी मिठाई की दुकानों पर सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि पलवल के लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ न हो सके, असली मिठाइयों को प्राप्त हो सके, नकली मिठाइयाँ उनको ना मिले, ताकि बच्चे और पलवल के लोगों का स्वास्थ्य सही रह सके। किस किस चीज़ के जो सैंपल आज लिए गए हैं? आज जो हमने सैंपल लिए हैं बर्फी और दो मिल्क केक के लिए, दो मिठाइयों के लिए हैं, और उनको गुणवत्ता की जाँच के लिए आगे भेजे जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच त्योहारी सीजन ने स्वास्थ्य विभाग की चुनौती और बढ़ा दी है। सरकार ने भी कोरोना संकट को देखते हुए नए दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए इसे लागू कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में मिलावटखोरी से बचने के लिए उपभोक्ता को जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। हरियाणा न्यूज के लिए कैथल से विपिन शर्मा और पलवल से भगत तेवतिया की रिपोर्ट।